नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ जिले के सुधारी थाना क्षेत्र के सागर गांव का एक मामला सामने आया है, जिसमें पीड़िता तारामती पांडे पत्नी स्वर्गीय राजेंद्र पांडे आज न्याय की गुहार लगाने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और कहा कि गांव के ही लोग हैं जो जबरन कब्जा कर रहे हैं। पीड़ित को विधवा बेसहारा जानकर 9 जून 2021 को समय लगभग 9 बजे दिन में जबरदस्ती पीड़िता तारामती पांडे की लड़की को मारपीट कर घायल करके बाहर कर दिया और घर में ताला लगा दिया, जो कि घटना को गांव के लोगों ने भी देखा, लेकिन डर बस कोई भी उनके खिलाफ बोला नहीं। पीड़िता के घर में ताला लग जाने से विधवा बेसहारा महिला को रहने का कोई ठिकाना नहीं रह गया है और वह इधर उधर भटक रही है, जिसकी सूचना स्थानीय थाने पर दी गई है, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। पीड़िता विरुद्ध महिला के मकान पर अवैध रूप से कब्जा करने का दबंगों पर आरोप लगा है। अब ये महिला आजमगढ़ जिले के सिधारी थाना क्षेत्र के सागर गांव की बताई जा रही है। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से मांग किया है कि हमारे घर का ताला खुलवाकर वह जान माल की सुरक्षा की जाए, ताकि हमें न्याय मिले और उचित कार्रवाई की। पुलिस ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। क्या कुछ कहा पीड़िता तारामती पांडे ने, सुनवाते हैं आपको। क्या नाम है? तारा देवी पांडे। कहाँ की रहने वाली है? सागर के। क्या मामला है जो कि आप आज एसपी कार्यालय पर आए? हम अपने घर में ताला खोल के जाने वाले थे, तो वीरेंद्र चौहान ने फ़ोन करके दरोगा जी को बुलाया था और दरोगा जी आके यहाँ अभद्र गालियाँ देते थे और मेरी लड़की को भी डांट रहे थे। हाँ, वो मकान आपका है? हमारा आदमी बनाया है, जो बाकी रहा वो हमने बनाया। गांव वाले बता देंगे कि हाँ किसने बनाया है। कोई पुरानी रंजिश आपकी? उसे हमारी रंजिश कोई नहीं है, वो मेरी बहू थी और उसके साथ वो रहता था और जबरदस्ती कब्जा करे हैं।